दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोग का इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8.5 जिसको ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं, त्रिकोणमिति हिंदी में बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो त्रिकोणमेट्री होता है, त्रि मतलब तो होता है तीन और गोन का मतलब होता है दोस्तों भुजा, और मेट्री का मतलब होता है मापन, यानी कि जो तीन भुजा को हमेशा क्या करता है, मापता है, उसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। दोस्तों इस चैप्टर में, इस वीडियो में आप लोग का सिर्फ इस चैप्टर का बेसिक ही बताया जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में बेसिक को जाना बहुत जरूरी है। जब तक हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तब तक हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होगा कि ऊपर से ही पास हो जाएगा, कुछ पता चलने वाला नहीं है, क्योंकि इसको ना 9th में पढ़े हैं ना 8th में पढ़े हैं। इसका मतलब कि इस चैप्टर से सबसे पहले हम 10th क्लास में ही परिचित हो रहे हैं, इसलिए आप लोगों को इस वीडियो में सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ही बताया जाएगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट को देखिएगा तभी इसका नेक्स्ट चैप्टर वाला 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आएगा। इसे दोस्तों हम चलते हैं कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का तो मतलब समझते हैं, राइट एंगल का, कि अगर एक सीधी रेखा है और उस सीधी रेखा में दूसरी रेखा आकर इस पर लंब पड़ जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर पड़ जाएगा, तो जहां पर जब ये दोनों भुजा का कटान बिंदु होगा वहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे में देखिए, यहां से एक कोई रेखा, यहां से लाइन आया और कोई ऊपर से आकर इस पर सीधा परपेंडिकुलर पड़ गया, इसका मतलब कि यहां पर जो एंगल बनेगा इसका मान होगा 90 डिग्री। इसका मतलब यही बोलते हैं कि जिस त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो अब देखिए, हम यहां पर समझते हैं कि किसको लंब बोलेंगे, किसको आधार बोलेंगे, किसको कोण बोलते हैं। तो दोस्तों एक बात हम इसमें देखते हैं कि कोण का और लंब का जो प्लेस होता है वही रिप्लेसमेंट होता है, मतलब यानी कि चेंजिंग होता है, बट जो कोण का होता है वो चेंजिंग कभी नहीं होता है। चेंज का जगह जो होता है वो फिक्स का फिक्स होता है। इसका मतलब कि अगर कोई भी एंगल के सापेक्ष लेकर चलेंगे, अगर इसका भी सापेक्ष लेकर चलेंगे तो यही कर रहेगा, और इसका भी सापेक्ष लेकर चलेंगे तो यही कर रहेगा। इसका मतलब हम ये भी बोलते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहां पर जैसे मान लीजिए कि ए हो गया, यहां पर बी हो गया और यहां पर सी हो गया। क्वेश्चन ये बोलेगा कि कोण ए के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष। तो अगर ए के सापेक्ष बोलेगा तो देखिए, ए का सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोलता है उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, तो लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। और ये वाला जो भुजा हो जाएगा ये वाला क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको सापेक्ष, यानी कि जिसके बारे में अगर सापेक्ष पूछता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो लंब बोलते हैं। अब हम चलते हैं, देखिए ए का सापेक्ष चल दिए, अब हम चलते हैं आप लोग का सी के सापेक्ष लेकर चलेंगे। देखिए दोस्तों, एक बात और इसमें है कि इसमें एक सम्मुख भुजा होता है और एक संलग्न भुजा होता है। तो सम्मुख भुजा का मतलब यही हुआ कि किसको सम्मुख भुजा बोलेंगे और किसको संलग्न भुजा बोलते हैं। तो देखिए, जो लंब होता है, कौन सा होता है, लंब होता है, तो लंब को हम बोलते हैं सम्मुख भुजा और आधार को बोलते हैं संलग्न भुजा, यानी कि इसको हम सम्मुख भुजा भी बोलते हैं। सम्मुख मतलब कि सामने का मुख, और आधार का मतलब होता है संलग्न भुजा। तो देखिए, तो हम ए के सापेक्ष लेकर चल रहे थे, तो ये हुआ लंब और ये हुआ आधार। अब हम देखिए, इस ट्रायंगल में सी के सापेक्ष लेकर चलेंगे,
तो सी के सापेक्ष सामने वाली भुजा कौन है, ये हुआ, इसका मतलब अब ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार और ये तो ऑलरेडी पहले से कर्ण है। तो इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जिसके सापेक्ष बोल रहा है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और जिस सतह पर होता है उसको आधार बोलते हैं और 90 डिग्री के सामने यानी सबसे लंबी भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो सापेक्ष का मतलब अगर समझ में आ गया तो समझिए कि इस चैप्टर का आप हाफ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब देखिए कैसे, अब हम इसको जैसे बता रहे हैं आप लोग का कि एक सूत्र होता है दोस्तों कि लाल बटा में काका, नहीं तो एक सूत्र होता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखिए ये सूत्र लगता है हिंदी मीडियम वालों के लिए और ये सूत्र लगता है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, क्योंकि पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर और बी का मतलब होता है बेस और एच का मतलब होता है हाइपरटेनियस यानी कि समकोण कर्ण, इसको कर्ण बोलते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर पहला वाले को बोलते हैं साइन, दूसरा वाले को बोलते हैं कॉस और इसको बोलते हैं टैन। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि सेम इसको हम पलट देते हैं, तो साइन में क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक और कॉस का हो जाएगा सेक और टैन का होता है कॉस, तो इसको भी पलट देते हैं यानी कि अब क्या हो जाता है तो कक का बटा में लाल। देखिए दोस्तों अब हम सूत्र कैसे याद करते हैं कि अगर मान लीजिए कि ए के सापेक्ष बोल रहा है तो साइन बराबर बोलेगा कि साइन बराबर सूत्र क्या होता है, अभी ये तो नहीं बोल रहा है ना थीटा और ये नहीं पूछ रहा है, जल्दी मान लीजिए कि थीटा यहाँ थीटा के सापेक्ष ही पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहीं पर हमारा एक ट्रेंगल हो गया, अब इस ट्रेंगल में इसके सामने ये थीटा है तो ए बी सी, अब ये बोलेगा कि इसके सामने, इसका मतलब कौन सा लंब हुआ दोस्तों, लंब ये हुआ और आधार ये हुआ और कर्ण ये हुआ, तो अब बोलेगा कि साइन थीटा बराबर सूत्र बताओ, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होगा तो आधार बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर क्या होगा तो लंब बटा आधार। बहुत आसानी से हम सूत्र को याद कर सकते हैं, यानी कि हम आपको यहाँ पर लिख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा कि लंब बटा में कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण। यहाँ पर अगर हम कॉस को लेकर चलेंगे तो कॉस थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा कि आधार बटा में कर्ण, तो आधार बटा में क्या हो जाएगा कर्ण। और यदि हम टेन बराबर लेकर चलेंगे, टेन थीटा बराबर, तो लंब बटा में आधार यानी कि लंब और बटा में आधार। क्या बोले हम कि अगर साइन के बराबर लेकर चलेंगे साइन थीटा के बराबर तो लंब बटा में कर्ण यानी कि लंब बटा में कर्ण, कोस के बराबर लेकर चलेंगे तो आधार बटा में कर्ण और टेन के बराबर लेकर चलेंगे तो लंब बटा में आधार। जस्ट इसी के अपोजिट होता है कोस का। तो देखिए अब हम लिखेंगे कोस बराबर, जैसे यहां पर लिख रहे हैं कि कोसेक थीटा बराबर, देखिए दोस्तों क्या बोल रहे हैं कि के बटा एल, के का मतलब कर्ण और एल का मतलब लंब यानी कि कर्ण बटा में लंब। तो ये देखिए कि जो कर्ण बटा लंब है ये साइन के अपोजिट होगा। देखिए पहले साइन में लंब यहाँ था ऊपर और कर्ण नीचे था, देखिए यहाँ पर लंब बटा कर्ण था तो यहाँ पर कर्ण बटा लंब हो गया, अपोजिट हो गया। उसके बाद कोस के लिए, कोस के क्या होता है सेक, तो सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, तो देखिए पहले था इसमें आधार बटा कर्ण लेकिन अब क्या हो जाएगा कर्ण बटा में आधार यानी कर्ण बटा आधार, तो यहाँ पर कर देंगे हम कि कर्ण बटा में आधार। अब हम चलेंगे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या हो रहा था दोस्तों, पहले टेन का देखेंगे, टेन बराबर हो रहा था लंब बटा में आधार, तो अब क्या होगा कॉट बराबर तो आधार बटा में लंब यानी कि आधार बटा लंब। बस आप लोग का यही 6 सूत्रों को याद करना है और इस चैप्टर का सारे क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व कर देना है, और जो नेक्स्ट साइंटिक्स जो नेक्स्ट सूत्र होगा नेक्स्ट चैप्टर के लिए लगेगा, इसलिए आप लोग को इसी को पहले याद कीजिएगा। इस वीडियो में आप लोग का सिर्फ यही रहेगा, उसके बाद अगले वीडियो में 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया जाएगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद।